हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल साक्षी ब्लॉग 3621 में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई मलाई से मक्खन रेडी करने की रेसिपी और घी निकालने की रेसिपी। अगर हम मलाई से डायरेक्ट घी भी निकाल सकते हैं, लेकिन आज मैं मक्खन निकालने के बाद घी निकालूंगी, क्योंकि कल है जन्माष्टमी, तो हमें लगाना है कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग। तो मैंने यहाँ पे सिंपल मलाई ले ली है, जो मैंने 8-10 दिन से स्टोर करके रखी थी, जो फ्रीजर के अंदर मैं स्टोर करके रखती हूँ। फ्रीजर से मैंने सुबह निकाल दी थी और अभी मैं इससे मक्खन रेडी करूंगी। यहाँ पे मैंने सिंपल मलाई ले ली है और ग्राइंडर से ग्राइंड 5-10 मिनट ग्राइंड करने के बाद जब हमारा पेस्ट बनके रेडी हो जाएगा, तब हम उसके अंदर ऐड करेंगे ठंडा वाटर, क्योंकि गर्मी कुछ ज्यादा हो रखी है। अगर सर्दी होती तो हम ऐड करते गर्म पानी, लेकिन अभी है गर्मी तो हम ऐड करेंगे ठंडा पानी। यहाँ पे मेरा मक्खन निकल चुका है, अभी हम इसको हाथ से फेंटेंगे। यहाँ पे अभी हम हमारे मक्खन को हाथ से फेंटेंगे। यहाँ पे मैंने 1 गिलास और पानी ऐड कर दिया है, ताकि जो हमारा मक्खन है उसके अंदर से सारी लस्सी निकल जाए। ये देखिए हमारी लस्सी निकल चुकी है, अभी हम इसको और ज्यादा फेंटेंगे ताकि इसके अंदर से अच्छे से लस्सी निकल जाए। अभी हम इसको और ज्यादा फेंटेंगे अच्छे से। अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी बर्फ। ये मैंने ऐड कर दी बर्फ, जो कि मक्खन को बिल्कुल अच्छे से जमा देगी और अच्छे से इसका पानी निकाल देगी। जो बर्फ होती है वो मक्खन के अंदर से सारे लस्सी को निकाल देती है, तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे बर्फ। लेकिन आप बर्फ को सर्दी में अप्लाई मत करना, कहीं सर्दी में अप्लाई कर दो तो आपका मक्खन बिल्कुल भी रेडी नहीं होगा निकल के। बर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ गर्मी में ही अप्लाई करनी है मक्खन। हम तो ये जो पानी बचता है हमारे ढोको पे ला देते हैं, लेकिन आप इस पानी से दही भी जमा सकते हो और पनीर भी निकाल सकते हो, उसकी रेसिपी भी मैं एक दिन लेके आऊंगी। यहाँ पे सारा पानी निकल चुका है, लेकिन अभी भी इसके अंदर लस्सी रहती है, तो मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी और बर्फ। अगर हम लस्सी को पहले निकाल लेते हैं तो हमारे टोपी के बहुत ज्यादा कम जो लस्सी होती है उसकी खींच होती है, वो चिपकती कम है जब घी निकल के हमारे पास रेडी होता है। इसीलिए मैं बार बार बर्फ ऐड करके इसके अंदर से लस्सी निकालती हूँ। यहाँ पे मैं कल कान्हा जी को भोग लगाने के लिए माखन मिश्री का, उसके लिए थोड़ा सा फ्रेश मक्खन रखी, बाकी का मैं निकाल दूंगी घी। अभी हम रखेंगे हमारा मक्खन जो कि रेडी हो चुका है उसको घी बनाने के लिए। अभी आप इसको पकते हुए देखना, ये भी पिघल जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आप मेरी वीडियो को किस स्टेट से देख रहे हैं मुझे कमेंट जरूर करें, मुझे बहुत खुशी होती है कमेंट पढ़ने में। मैं कभी भी मार्केट का घी यूज नहीं करती, हमेशा घर पे घी निकालती हूँ, क्योंकि मलाई इतनी स्टोर जरूर हो जाती है कि हम हर वीक ताजा घी निकाल के यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप घी निकाल रहे हो आपको पूरे टाइम अपने घी के पास ही खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी घी कम गैस में भी बाहर निकल सकता है। ये हमारा जो मक्खन है वो पिघल चुका है, ये देखिए। एक बार जब उबाल आता है तो हमारे घी में ऐसे जाल बनते हैं, और आपको ऐसे करते रहना है ताकि जो हमारा घी है वो बाहर ना निकले और इसके अंदर से भाप बाहर निकलती रहे, वरना जब भी आपके घी में आंच भी होगी तो आपका घी बाहर आ जाएगा। जब आपके मक्खन के अंदर उबाल आना बंद हो जाए तो आप तेज गैस पे अपने घी को फटाफट निकाल सकते हैं। ये देखिए अभी तक हमारा घी नहीं निकला, अभी इसमें उबाल आ रहा है, बस
अब 5 मिनट्स में और हमारा घी हमारे पास निकल के रेडी हो जाएगा। अब हमें गैस को कभी तेज कभी कम करते रहना है। जब आपके मक्खन की ऐसी कंसिस्टेंसी आपके पास आ जाए तब आप इसके अंदर कोई कोंचा या कड़छी नहीं मारेंगे, ताकि जो हमारी लस्सी है जो बची हुई है वो नीचे जम जाए, ना कि वो घी के ऊपर तैर। ये देखिए बिल्कुल व्हाइट कलर का घी हमारा निकल के रेडी हो चुका है। ये देखिए ये हमारा घी बन के रेडी हो चुका है और आप इसको इंजॉय कर सकते हैं या कोई भी डिश इससे बना के रेडी कर सकते हैं। प्योर होममेड घी।